Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hussain Mirvan. Today we are going to talk about the second part of our endocrinology lecture, that is intracellular signaling. Basically, हमने कल बात की थी हॉर्मोन्स की, जो कि सिग्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफर करते हैं. उनमें हमने फैट बेस्ड हॉर्मोन्स की भी बात की, उसके अलावा वाटर बेस्ड हॉर्मोन्स जो हैं, सॉरी प्रोटीन बेस्ड हॉर्मोन्स, उनके ऊपर बात की. आज हम कुछ बात करेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के ऊपर. लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स डिफरेंट लोकेशन हो सकती हैं ऑन और विद इन सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. बीच में मुराद है कि उसके अंदर एम्बेडेड होंगे, लेकिन उसका मुंह जो है वो सेल की बाहर वाली साइड पे ही होगा. ठीक है, तो ये होते हैं प्रोटीन हॉर्मोन्स रिसेप्टर. प्रोटीन के जो हॉर्मोन है उनके जो रिसेप्टर हैं, आई टोल्ड यू कि वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं, या तो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे या उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होंगे, लेकिन उनका जो मुंह है जहां से उन्होंने अटैच करना है हॉर्मोन से, वो आउटसाइड होगा. इन द सेल साइटोप्लाज्म स्टीरॉयड हॉर्मोन रिसेप्टर्स डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया था कि फैट बेस्ड जो हॉर्मोन है उनके रिसेप्टर विद इन द साइटोप्लाज्म होते हैं. इन द सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं. जो थायरॉयड हॉर्मोन है उनके सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर हैं, यानी कि ये पहले वहां पे अंदर जाकर जो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं. द नंबर ऑफ रिसेप्टर कैन चेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू वेरियस फैक्टर. और किसी भी एक सेल पे नंबर ऑफ जो रिसेप्टर्स हैं वो उनके नंबर चेंज हो सकते हैं, भी किसी में 10 हैं, 20 हैं, इससे ज्यादा हो गए, कम हो गए, वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सम वेरियस फैक्टर्स. व्हाट हैपेंड टू द हार्मोन आफ्टर एक्शन. अब मैंने बताया था कि जो हार्मोन है वो आया, उसने आगे जैसे इंसुलिन आया वो आगे सेल पे बाइंड कर गया, उसने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया. अब उसके बाद हार्मोन का क्या होता है. हॉर्मोन बेसिकली या तो डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है मेटाबॉलिकली बाय द टिश्यू, यानी कि उसको कोई एंजाइम कोई इस तरह की चीज रिलीज की जाएगी और खत्म कर दिया जाएगा. मे बी सिक्रेटेड बाय लिवर इनटू द बाइल, या तो उसके साथ, यानी कि यह कि उसको लिवर के अंदर सिक्रेट कर दिया जाएगा थ्रू बाइल. अगर वो फैट बेस्ड है, यानी कि जो फैट बेस्ड हॉर्मोन है वो वहां से उसके अंदर जाएगा और वहां से वो निकाल दिया जाएगा. एक्सक्रीशन बाय किडनीज इनटू द यूरिन, और किडनी के जरिए या उन्हें यूरिन में एक्सक्रीट करा दिया जाएगा. ठीक है, जो प्रोटीन बेस्ड होंगे वो किडनी के जरिए, और जो ये होंगे फैट बेस्ड वो थ्रू बाइल जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा दिए जाएंगे. अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. पहले ये साइड वाली बात इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं. लिवर डैमेज विल कॉज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन इन द बॉडी. अगर आपकी बॉडी का लिवर डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो है जो लिवर है उनको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा. अब उनकी प्रोडक्शन तो प्रॉपर हो रही है, बस उनकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी और ये ओवर सिग्नलिंग करेंगे. हाफ लाइफ ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज लेस देन 1 मिनट, थायरॉयड हार्मोन 1 to 6 days. अब ये हाफ लाइफ है. हाफ लाइफ क्या होता है कि जिनमें वो मेटाबॉलिकली डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, तो उनमें एंजियोटेंसिन 2 एक एंजाइम है, एक हार्मोन आप इन्हें कह सकते हैं. ठीक है, इसकी हाफ लाइफ है जो 1 मिनट से भी कम है, 1 मिनट से पहले पहले ये खत्म. ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है वो 1 से 6 दिन ले सकता है, मतलब ये डिपेंडिंग उनके लाइफ स्पैन है कि इतनी इतनी देर तक बॉडी के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्मोन विद रिसेप्टर साइट. बेसिकली जब भी कोई हार्मोन आके अटैच करता है सेल की सरफेस पे, तो वो या रिसेप्टर की सरफेस पे, वो बेसिकली उसके साथ एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर हैं और उनकी बेस पे ही हम डिफरेंट जो है वो फंक्शनिंग होती है. आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर. आयन चैनल लिंक रिसेप्टर क्या है कि एसिटाइल कोलीन आयन नोरएपिनेफ्रिन एक्ट ऑन दी रिसेप्टर एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर. अच्छा, कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं कि जो आयन चैनल लिंक्ड हैं. एसिटाइल कोलीन नोरएपिनेफ्रिन एक्ट ऑन दी रिसेप्टर एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर. द चेंज लीड टू ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ चैनल फॉर वन और मोर आयन. अब आपको पता है सेल की सरफेस पे एक तरफ रिसेप्टर पड़ा हुआ है और थोड़ा सा आगे जो है वो उसी सेल की सरफेस पे एक चैनल पड़ा हुआ है. चैनल कहते हैं एक रास्ता जो कि आयंस को अलाउ करेगा गुजरने के लिए. ठीक है, अब अगर इनमें आप देखते हो तो इनमें क्या सिनेरियो है कि आयन आएगा, मतलब एसिटाइल कोलीन और नॉन एपिनेफ्रिन वो हॉर्मोन है जो
कि इस तरह के रिसेप्टर्स पे काम करते हैं कि जो कि आयन चैनल लिंक्ड है, मतलब एक ऐसे चैनल से लिंक्ड है जो कि आयन आयन को हेल्प करता है पास करने में। तो जब ये हार्मोन आएगा, एसिटाइलकोलाइन आया, रिसेप्टर पे बाइंड किया, साथ ही जो मौजूद है रिसेप्टर सॉरी चैनल वो ओपन हो जाएगा और वो अलाउ कर देगा उस आयन की मूवमेंट अक्रॉस द सेल। अब इस मूवमेंट ऑफ आयन्स की वजह से सेल के अंदर चेंजेस आएंगी और वो चेंजेस फर्दर सिग्नल करेंगी कि अब क्या काम करना। ठीक है, मोस्टली ये अलग से काम करते हैं, अलहदा से अलोन काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है बट मे लेकिन कभी कभार जी प्रोटीन लिंक्ड और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। जैसे ही एसिटाइलकोलाइन आया, इन्होंने अपना उस गेटेड चैनल को इन्होंने ओपन कर देना, गेटेड चैनल जो है वो चीजों को पास ऑन कर देगा आप आगे पीछे। ठीक है, जो भी उसके आयन्स ऊपर नीचे पास करने हैं, जबकि यहाँ पे ये मोस्टली अलोन वर्क कर रहा है। ठीक है, और सम हाउ जी प्रोटीन लिंक्ड या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ये आगे आएंगे, इनके मिलके भी काम कर सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट जी प्रोटीन लिंक होम रिसेप्टर, देयर आर अबाउट 1000 जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड हैव सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट एट टू पिन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होते हैं ये 1000 इस तरह के स्ट्रक्चरली सिमिलर, मतलब फंक्शन डिफरेंट होंगे लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, 1000 तरह के रिसेप्टर्स हैं और इनमें इस तरह 7 बैंड बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बैंड ये बनते हैं जो कि कपल्ड होते हैं और बेंडेड होते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है वो एक रिसेप्टर है। साइटोप्लाज्मिक टेल ऑफ रिसेप्टर इज कनेक्टेड टू जी प्रोटीन, और जो साइटोप्लाज्मिक टेल है रिसेप्टर की वो जी प्रोटीन से कनेक्टेड होती है। ये जो हमारी ये प्रोटीन है इसको जी प्रोटीन कह रहे हैं, ये इनएक्टिव है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक टेल है, उसकी जो पूंछ है वो बेसिकली एक प्रोटीन के साथ अटैच है। जी प्रोटीन आल्सो कॉल्ड हेट्रो ट्राइमेट्रिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, क्या पूरा नाम है उसका, हेट्रो ट्राइमेट्रिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये जो है वो उस जी प्रोटीन का नाम है। और इसके तीन पार्ट होते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा सब यूनिट, तीन सब यूनिट्स होंगे। अ हार्मोन अटैचेस ब्रिंग कन्फर्मेशनल चेंजेस रिसेप्टर एंड एक्टिवेट जी प्रोटीन, होगा ये कि हार्मोन यहाँ पे आके अटैच करेगा रिसेप्टर के आउटर एंड पे। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या होती हैं कि जो कन्फर्म करेगा कि आगे जो है वो आप फर्दर नीचे कौन सा रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन इट्स रेस्टिंग स्टेट द एल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद जी डी पी वाइल द बीटा एंड गैमा सब यूनिट्स आर टाइटली बाउंड। बीटा और गैमा सब यूनिट बेसिकली अल्फा प्रोटीन जो है ये, जो अगर आप मैं इसको जूम इन करूं, ये जो अल्फा है सब यूनिट ऑफ प्रोटीन ये जीडीपी से बाइंड है, और जो अल्फा के साथ दो गैमा और बीटा ये सब यूनिट जो है वो अल्फा के साथ टाइटली बाउंडेड है। अब होगा ये कि हार्मोन बाइंडिंग इंड्यूस है रिसेप्टर कंफर्मेशन चेंज, ही हार्मोन यहाँ पे अटैच करेगा एक कंफर्मेशनल चेंज आएगी। कंफर्मेशनल चेंज क्या करेगी कि जी प्रोटीन को एक्टिव कर देगी, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करेगी। वही सब यूनिट जो जीडीपी के साथ लगा हुआ था अब वो जीडीपी कन्वर्ट हो गया इंटू जीटीपी, पहले था जीडीपी अब बन गया ये जीटीपी, गवानीन डाइफॉस्फेट एंड गवानीन ट्राइफॉस्फेट लीडिंग टू अल्फा सब यूनिट डिसोसिएशन। इसकी वजह से क्या होगा कि जीटीपी के अल्फा सब यूनिट की जो है वो डिसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ अल्फा यूनिट्स लीड्स टू, अब इसकी वजह से क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल, या तो ये किसी आयन चैनल की ओपनिंग क्लोजिंग करवा देगा, जैसे ये बना हुआ है यहाँ से ये, सॉरी ये नहीं है, मतलब किसी आयन चैनल की ओपनिंग करवा देगा जिससे आयन जो है वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर या बाहर मूव करेंगे। और दूसरा ये मॉड्यूलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, या अंदर जो एंजाइम मौजूद है, यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद है सेल मेम्ब्रेन सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, उनकी एक्टिविटी के अंदर कुछ चेंज ले आएगा, या तो उन्हें एक्टिवेट कर देगा या उन्हें इनएक्टिव कर देगा। और अगर एक्टिवेट करेगा तो वो अपना काम फंक्शन परफॉर्म कर देंगे, और अगर इनएक्टिवेट वाला कंडीशन है तो वो इस केस में होगी जहाँ वो ऑलरेडी अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और हमने उन्हें रोकना है। तो हार्मोन जो है वो डेफिनेटली दोनों एंड्स पे काम कर सकता है। ठीक है, तो उसकी अल्फा सब यूनिट ये लग गया, बीटा और जो गैमा है वो अलग से सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर गए, और ये जो है ये आगे फर्दर जो भी दोनों एक्शन है, या तो आयन चैनल की क्लोजिंग ओपनिंग या फिर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम की जो भी मॉड्यूलेटिंग है, वो इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, स्टिमुलेटरी प्रोटीन भी हो सकती है। ठीक है, इनहिबिटरी कौन सी होंगी जो कि अंदर होने वाली एक्टिविटी को कम करेंगी, और स्टिमुलेटरी होंगी जो कि होने वाली एक्टिविटी को इनहेंस करेंगी। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम लिंक हार्मोन रिसेप्टर, दीज रिसेप्टर डायरेक्टली एक्ट एज एंजाइम ऑन एक्टिवेशन और आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एंजाइम दैट दे एक्टिवेट। बेसिकली दो कंडीशन हो सकती हैं,
बाहर से हार्मोन आके अटैच करेगा। अब ये जो रिसेप्टर हैं, या तो ये डायरेक्टली खुद इंजाइम के तौर पे काम करेंगे, या ये किसी एक ऐसे इंजाइम के साथ वेरी क्लोजली लिंक्ड होंगे जिसने आगे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। दी रिसेप्टर अपॉन एक्टिवेशन दे ओनली पास वंस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एक बार सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। दे हैव बाइंडिंग साइट फॉर हार्मोन ऑन अदर साइड आउटर साइड एंड फॉर एंजाइम ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये जो रिसेप्टर है ये अब पास कर रहा है एक बार, ये अगर हमारे पास मौजूद है रिसेप्टर, तो ये कह रहा है कि इसकी जो है ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ गया। इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो आउटर साइड पे इसके हार्मोन अटैच कर सकता है, जैसे कि ये लेप्टिन हार्मोन अटैच कर रहा है, और इनर साइड से इसके एक इंजाइम अटैच होता है, जैसे ये JAK2 जो इंजाइम्स हैं ये अंदर से अटैच है। तो ये रिसेप्टर है, आउटर साइड पे हार्मोन है, अंदर साइड पे जो है वो इसके साथ इंजाइम अटैच कर सकता है। एग्जाम्पल लेप्टिन रिसेप्टर, दीज आर मेंबर साइटोकाइन रिसेप्टर, ये साइटोकाइन रिसेप्टर का एक मेंबर है दैट डोंट हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी बट सिग्नल एंड कम्युनिकेट थ्रू लिंक्ड एंजाइम। तो इसकी कोई अपनी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब ये अटैच करेगा तो अंदर वाले एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, वो आगे अपनी फर्दर जो भी एक्टिविटी उन्होंने करवानी है वो वहां से एक्टिविटी करवा लेंगे। इन द केस ऑफ लेप्टिन रिसेप्टर वन ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व अ टायरोसिन काइनेज, स्पेसिफिकली JAK2, जेनस काइनेज 2। ये JAK2 जो है वो ये काइनेज काइनेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम इन्वॉल्व करता है लेप्टिन, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व करता है? टायरोसिन काइनेज। तो लेप्टिन आगे इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर आगे एक्टिवेट कर देगा दैट स्पेसिफिक एंजाइम को, दैट इज टायरोसिन काइनेज, और उसकी वजह से वो आगे फर्दर फंक्शनिंग अपनी परफॉर्म करेगा, जो भी एंजाइम ने अंदर जाके सिग्नलिंग करनी है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर एंड एक्टिवेशन ऑफ जीन। इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर एसोसिएटेड विद हार्मोन लाइक स्टीरॉयड, थायराइड हार्मोन, रेटिनॉइड एंड विटामिन डी। ऑल ऑफ दीज आर फैट सोलबल, रेटिनॉइड मतलब विटामिन ए होता है, फैट सोलबल हैं और फैट के कंपोनेंट हैं। तो टोल्ड यू कि इनके जो रिसेप्टर होते हैं दे आर विद इन द सेल साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे होते हैं। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, न्यूक्लियस में हो सकते हैं, लेकिन विद इन मेम्ब्रेन होंगे। व्हेन देयर कॉरिस्पॉन्डिंग हार्मोन बाइंड टू देम द रिसेप्टर अंडरगो अ कंफर्मेशनल चेंज इनेबलिंग इट टू बाइंड टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑन द डीएनए नोन एज हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही आप का हार्मोन बाहर से सेल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके विद इन सेल आएगा, वहां पे मौजूद है रिसेप्टर, ये उन रिसेप्टर के साथ करेगा बाइंड। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो आगे वो जो रिसेप्टर है कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर जो है वो आगे मूव कर जाएगा टुवर्ड्स डीएनए, और डीएनए के पास एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, वहां पे जाके ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। दिस बाइंडिंग एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए एंड सब्सिक्वेंट प्रोटीन सेंसेस। अब इसकी वजह से आगे क्या होगा, आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, वी नो दैट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वी नो बोथ ऑफ दिस स्टेप, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपनिंग ओवर हियर इज के हार्मोन एंटर द सेल्स, आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल इट विल बाइंड टू दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर, दैट रिसेप्टर विल गो टुवर्ड्स डीएनए एंड डीएनए हैव अ स्पेसिफिक साइट फॉर दैट दैट इट टर्म्ड एज हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट एचआरई। द हार्मोन विल बाइंड टू दैट और आफ्टर दैट उसकी वजह से आगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगी, एंड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन देयर विल बी ट्रांसलेशन। हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, द मेकिंग ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, वाइल ट्रांसलेशन इज मेकिंग ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसपोर्ट आरएनए एंड डेफिनेटली द राइबोसोम। अल्टीमेटली रेगुलेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ सेलुलर प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल सिग्नल। अब इसके रिस्पॉन्स में जितनी प्रोटीन्स बनेंगी वो सारी की सारी जगह फंक्शन परफॉर्म करेंगी, एदर दैट इज एन एंजाइम, एदर दैट काइंड ऑफ एनी अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बनेगी आगे उसके हिसाब से फर्दर फंक्शन जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। दिस मैकेनिज्म अलाउ फॉर प्रिसाइज एंड डाइवर्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक हार्मोनल क्यूज। तो ऐसे तमाम स्ट्रक्चर जिनमें जेनेटिकली जेनेटिक लिंक है विद हार्मोन्स, वो ये वाला सिनेरियो होता है, उनमें ये वाले रिसेप्टर्स काम होते हैं, मतलब हार्मोन आके जेनेटिकली जो है वो चीजों को करवा रहा है, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस नहीं ला रहा, जेनेटिकली एक फंक्शन जो होना है उसको प्रमोट कर रहा है, जो उसको प्रोवोक कर रहा है वो एक हार्मोन है, ठीक है। तो उनमें ये इस तरह के रिसेप्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट रिसेप्टर्स। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, मेम्ब्रेन परमियबिलिटी मैकेनिज्म। हार्मोन अटैच टू रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड कॉज कन्फर्मेशनल चेंज, इट इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमियबिलिटी फॉर आयन दैट कॉज इनहिबिशन और एक्साइटेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आयन।
वी नो, ये सिंपली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमने ये एक्शन पोटेंशियल में भी चीजें पढ़ी हुई हैं कि जब सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज आती है, तो उस चेंज की वजह से या तो वो सेल मेम्ब्रेन एक्टिव हो जाती है या डीएक्टिव रिलैक्स कर जाती है। तो अगर आपने ये उसके हिसाब से होता है कि उनमें स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जो कि इस तरह काम करते हैं कि वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा दें। अब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी वजह से डेफिनेटली व्हाट विल हैपन फर्दर इज के जो भी इनहिबिशन या एक्साइटेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि फर्दर तीन मैकेनिज्म है जिसमें साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म, हार्मोन जो कि फर्स्ट मैसेंजर है वो रिसेप्टर के साथ बांध करेगा सेल मेम्ब्रेन में और अंदर जो है एडिनाइल साइक्लेज को इनिशिएट करवा देगा जो कि आगे साइटोप्लाज्मिक एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट फर्दर ऑन अफेक्ट साइटोप्लाज्मिक एटीपी को यूज करते हुए साइक्लिक एएमपी बनेगा। साइक्लिक एएमपी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि अंदर विद इन द सेल जो काम करेगा। मैं ये चीज आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। एटिंग एट के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर पड़ा है, वहां आके हार्मोन अटैच कर गया, सेल के अंदर पड़ा हुआ था साइक्लिक साइटोप्लाज्मिक एटीपी, उसको यूज करते हुए सी एएमपी जनरेट किया गया। जो सी ए अब हार्मोन आउटसाइड द सेल है, अंदर सी एएमपी बन गया, अब अंदर वाला जो काम है वो सी एएमपी करेगा। मिसाल के अब हार्मोन कौन है, डाकिया, ठीक है, आपके अब्बा का अगर खत आया है तो डाकिया जो है दरवाजे तक देगा, आपने दरवाजे से लेके अब्बा तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो यू वर विद इन द हाउस, द डाकिया वाज आउटसाइड द हाउस, तो डाकिया जो है एक हार्मोन का काम कर रहा है, आप एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से आगे आप अब ये सेकेंडरी मैसेंजर आगे फर्दर जो भी काम करे, अल्टर सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, दरवाजा खड़का, डाकिया ने खड़काया, आपको पता, उसने कहा जी ये आपका बच्चा बाहर रहेगा इसको अंदर कर लें, तो परमिएबिलिटी आपने दरवाजा खोल दिया, बच्चा अंदर आ गया, दैट इज अल्टर सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दो, ठीक है, कॉजेज मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, आइंस ऊपर नीचे जब होंगे तो मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा दे, वी जस्ट टॉक अबाउट इट, जो डीएनए से आगे फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है एंड कॉज सिक्रीशन, और वही प्रोटीन अगर एंजाइम्स हैं या फर्दर कोई हार्मोन ही है वो प्रोटीन जो कि वो जीन एक्सप्रेशन से बन रही है तो वो सिक्रीशंस बन जाएंगी। ये है साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म। द सेकंड वन इज सी ए डबल प्लस कैलमोडिलिन मैकेनिज्म, हार्मोन कंबाइन करेगा रिसेप्टर पे, इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो इंटर करेगा साइटोप्लाज्म में, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में इंटर करके प्रोटीन कैलमोडुलिन सेकेंड मैसेंजर के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर देगा। उसमें पहले वाले में क्या हो रहा है, हार्मोन डायरेक्टली रिसेप्टर को अटैच कर रहा है, रिसेप्टर जो है वो आगे फर्दर एक्टिवेट कर रहा है सी ए एम पी को, जबकि नीचे जो है कैल्शियम कैलमोडुलिन के अंदर उसमें ये है कि उसमें हार्मोन जो है वो आगे एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, रिसेप्टर अलाउ कर देगा कैल्शियम को कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वो फर्दर जो है आगे कैल्शियम सेल के अंदर आके कैलमोडुलिन के साथ बाइंड करेगा और कैलमोडुलिन को आगे कहेगा कि भैया आप अपने फर्दर एज अ सेकेंडरी मैसेंजर फर्दर फंक्शन जो भी आपको फॉर्म करें, जिनमें एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है अदर देन एक्टिवेटेड बाय सीएएमपी, सीएएमपी तो जो एक्टिवेट नहीं होते एंजाइम उनको ये एक्टिवेट करवा देगा, और मायोसिन की जो मसल कंट्रैक्शन है उसके अंदर ये हेल्प करता है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट मसल कंट्रैक्शन एंड इन द लेक्चर ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट कैल्शियम वाला जो हमने लेक्चर पे खड़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे मायोसिन और एक्टिन आते हैं, फर्दर और हम ये फाइनल के सिलेबस में पढ़ेंगे भी प्रॉपर डिटेल से। प्रोटीन फॉर्मेशन मैकेनिज्म, हार्मोन कंबाइन विद रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, लाइक स्टीरॉयड हार्मोन के केस में या न्यूक्लियस में जो अभी हम ये वाला पढ़ के आए हैं इंट्रा सेलुलर हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है, इसमें भी ये होता है कि वो आके विद इन सेल मेम्ब्रेन किसी के अंदर अटैच करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए प्रोटीन के सिंथेसिस करवाएंगे अबाउट द डिजायर्ड एक्शन ऑफ हार्मोन, और आगे फर्दर कोई भी और जो भी हार्मोन है उसने आगे जो जो भी प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है उसके एक्शन के मुताबिक फर्दर काम किया जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट द होल लेक्चर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। कल हमने बात की बेसिक इंट्रोडक्शन, हार्मोन्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, उनके फंक्शन क्या है, आज हमने बात की इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के ऊपर के हाउ सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक सेल के अंदर जो है वो किस तरह जो है वो सिग्नलिंग होती है, सेल के अंदर किस तरह मैसेज पहुंचाया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी। होप सो यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, अल्लाह हाफिज़।